करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीपक जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीपक जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। अब सभी लोगों को जीशु जीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र यूकरिस्ट के लिए तैयार करें। आज कल जैसे मैंने मेंशन किया था, सेंट ब्लासियस का त्यौहार है, सेंट ब्लेस, और विशेष रूप से इस संत के महान मध्यस्थता द्वारा जिन्हें गले में तकलीफ है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। गले में किसी भी प्रकार की समस्या हो, कैंसर हो, इसी प्रकार का कोई भी बीमारी हो, विशेष रूप से ऐसा माना जाता है कि गले के रोगों के लिए उनकी मध्यस्थता लिया जाए। हम ऐसे बीमार लोगों के लिए आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में इस महान संत की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं। अन्य तमाम प्रार्थनाओं को भी प्रभु के चरणों में लाते हैं और हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुमारी धन मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, शहीद सन ब्लासियस के संरक्षण में अपनी प्रजा की याचना सुन ले। इस जीवन में हमें शांति का आनंद प्रदान कर और आनंद जीवन प्राप्त करने में हमारी सहायता कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो हृदय आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13 वाक्य संख्याएं
एक से आठ। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है, यीशु मसीह एक रूप रहते हैं कल आज और अनंत काल तक। आपका भातृ प्रेम बना रहे, आप लोग आतिथ्य सत्कार भूले नहीं, क्योंकि इसी के कारण कुछ लोगों ने अनजाने ही अपने यहाँ स्वर्गदूतों का सत्कार किया। आप बंदियों की तरह सुध लेते रहें, मानो आप उनके साथ बंदी हों और जिन पर अत्याचार किया जाता है उनकी भी याद करें, क्योंकि आप पर भी अत्याचार किया जा सकता है। आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो, क्योंकि ईश्वर लंपटों और व्यभिचारियों का न्याय करेगा। आप लोग धन का लालच ना करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम विश्वस्त होकर यह कह सकते हैं, प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आप लोग उन नेताओं की स्मृति कायम रखें जिन्होंने आपको ईश्वर का संदेश सुनाया और उनके जीवन के परिणाम का मनन करते हुए उनके विश्वास का अनुकरण करें। यीशु मसीह एक रूप रहते हैं कल आज और अनंत काल तक। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूं? अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। भले ही शत्रुओं की सेना मेरे सामने पड़ाव डाले, मैं भयभीत नहीं होऊंगा। भले ही मेरे विरुद्ध युद्ध छिड़ जाए, मेरा भरोसा दृढ़ रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। क्योंकि वह संकट के दिन मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखेगा, वह मुझे अपने तंबू के भीतर छिपाएगा, वह मुझे चट्टान पर खड़ा कर देगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। हे प्रभु, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ, अपना मुख मुझसे ना छिपा, अप्रसन्न होकर अपने सेवक को ना त्याग, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। जय घोष। अलिलुया। धन्य है वे जो सच्चे और निष्कपट हृदय से ईश्वर का वचन सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 बस संज्ञा 14 से लेकर 29 तक। हेरोद ने यीशु की चर्चा सुनी, क्योंकि उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। लोग कहते थे योहन बपतिस्ता मृतकों में से जी उठा है, इसलिए वह ये महान चमत्कार दिखा रहा है। कुछ लोग कहते थे कि एलियस है, कुछ लोग कहते थे ये पुराने नबियों की तरह कोई नबी है। हेरोद ने ये सब सुनकर कहा, ये योहन ही है जिनका सिर मैंने कटवाया और जो अब जी उठा है।
हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण योहन को गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बंद रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस की विवाह किया था और योहन ने हेरोदियस से कहा था अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस योहन से बैर रखती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी क्योंकि हेरोद योहन को धर्मात्मा और संत जानकर उन पर श्रद्धा रखता और उनकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस के अवसर पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को एक भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उनके अतिथियों को मुग्ध कर लिया। राजा ने लड़की से यह कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगू? उसने कहा, योहन बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूं कि आप मुझे इसी समय थाली में योहन बपतिस्ता का सिर दे दे। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर योहन का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदी गृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया और लड़की ने उसे अपनी मां को दे दी। जब योहन के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, पुराने गिरिजाघरों में आज विशेष रूप से कल जो आशीष की गई कैंडल्स के साथ में आज क्रॉस लगाकर गले की आशीष संत ब्लासियस के आदर में किया जाता है। संत ब्लासियस 4th century का एक संत है और वो एक फिजिशियन हुआ करता था। उस समय का फिजिशियन आज का डॉक्टर, और लोगों को चंगा करना उनका काम था। और इस पर प्रभु से आकर्षित हुआ, वह प्रभु की बुलाहट स्वीकार की, बिशप बना। और वैसे ही वह एक चिकित्सक था और फिजिशियन था। लोग उनके पास आया जाया करते थे और चंगा हुआ करते थे। और जब से प्रभु की आशीष उन पर पड़ी, अनेक लोग चमत्कारिक रूप से चंगाई प्राप्त करने लगे। तो उस समय वहां पर महा पर्सिक्यूशन का समय था और इन्हें पकड़ा गया और उन्हें बहुत सारी यातनाएं दी और अंत में उनका सिर कलम करके उनका कत्ल कर दिया गया। ये ब्लासियस, संत ब्लासियस सेंट ब्लेस का संक्षिप्त कहानी है। और इस पर इस बीच में वो गले का विशेषज्ञ कैसे बना, ये भी सवाल शायद आपके मन में होगा। वो उसका भी यह एक प्रकार कहते इस प्रकार है कि जैसे उसको पकड़कर, उनको पकड़कर राजा के सैनिकों द्वारा ले जाया जा रहा था, एक माँ अपने बच्चे के लिए उनसे गुहार लगाई, उनके गले में जो है एक मच्छी की हड्डी जो है फंसी हुई थी। और सेंट ब्लासियस के चमत्कारिक शक्तियों के बारे में जानकर उस माँ ने उनसे अनुरोध किया, इस बच्ची को चंगा की जाए। ब्लासियस ने प्रार्थना की और चमत्कारिक रूप से वह बच्ची ठीक हो गई। तब से लेकर सेंट ब्लासियस विशेष रूप से गले के रोगों के लिए मध्यस्थ के रूप में माना जाता है, सेंट ब्लासियस। आज के सुसमाचार में प्यारे भाई और बहनों, हमें उससे भी रोचक एक कहानी फिर से हमारे सामने रखा जो हम अक्सर सुनते हैं, जानते हैं, योहन बपतिस्ता की कहानी। मैं अक्सर सोचता था ये हेरोदियस योहन बपतिस्ता का सिर के साथ में क्या करी होगी।
ये एक बड़ा ही सवाल है। उनकी बेटी को राजा हेरोद द्वारा अपने देश का आधा राज्य देने तक का वादा हुआ था। ये सब छोड़कर हेरोदियस ने क्या मांगा? योहान बपतिस्ता का सर। और मेरे मन में अभी भी यह सवाल बना हुआ है कि यह हेरोदियस ने उस सर के साथ में क्या करी होगी। सवाल का जवाब कोई भी मुझे फोन करके बता सकते हैं, पर लेकिन कहने की बात यह है कि हेरोदियस योहान बपतिस्ता से इस तरह नफरत करती थी कि आधा राज्य उनको कोई काम ना आए। योहान बपतिस्ता एक फकीर आदमी का सिर उन्हें और ज्यादा पसंद आए। नफरत इस कदर तक जिंदगी में कहर बरपा सकते हैं। उन्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा देने के लिए राजा तैयार हुए थे, पर हेरोदियस को योहान बपतिस्ता का सिर चाहिए था। वो बेचारा इंसान का सिर लेकर वो क्या करती? अगर उन्हें आधा राज्य मिल जाता क्या क्या नहीं कर सकती थी। पर फिर भी देखिए नफरत इतना हुआ था कि उन्हें सिर ही पसंद आया, क्योंकि उन्होंने सच्चाई के लिए खड़े हुए थे और उन्होंने बोला था तुम जो कर रहे हैं गलत है। उसकी गुनाह इतनी थी, इतना बोला तो उन्हें सिर पसंद आया। प्यारे भाई और बहनों, जब नफरत हमारे दिल में इस कदर हमें पकड़ लेते हैं तो हमें सच्चाई का पता नहीं पड़ता है, क्या सही है क्या गलत है उसका सूझबूझ हम में नहीं आता है। इसलिए राज्य के बदले सर हेरोदियस को पसंद आया। इस कदर कोई किसी से नफरत ना करे तो अच्छा, आपके लिए भी और उस व्यक्ति के लिए भी। इतना नफरत है तो प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे दिलों की नफरतों को प्रभु तोड़े और हमें अच्छा इंसान बनाए, जो सच्चाई और अच्छाई को परख सके, जान सके, अपना सके। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी, भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी रोटी दातरस हम लेके आए हैं, तुझको चढ़ाने जीवन में आशा है तेरे प्यार की हमें, सुख आए तेरे दर्शन में। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी, भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी तूने है पिता, जग प्रेम से रचा, फिर जग को तूने यीशु दिया। स्वयं को चढ़ा के यीशु के संग हमने बलिदान में भाग लिया। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी, भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर,
तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाग रस दिया है। तेरी कृपा से हमारे लिए अनंत जीवन के संस्कार बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित न्याय संगत हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर। ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे सुदीगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा सुदी गान एक स्वर से गाते हैं। जय तेरी जय हो पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल तब जय से विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर नभ में हो भूतल पर जग का अगुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है। सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तुम इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस बेचार से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो और इसमें सिखाओ क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो और इसमें से पियो क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक
करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस हमारे धर्माध्यक्ष को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधी ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधी ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेवी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सम्मिल का पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का हाल आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु प्रायश्चित से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, उन्होंने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्ववास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं, धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु ईश्वर का दर्शन मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारी हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं,
क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आज हम विशेष रूप से गले से पीड़ित सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं। छोटे बड़े या बड़ी बीमारियों से पीड़ित सभी लोगों को, अगर हमारे पहचान में हो, परिवार में हो, इस वक्त इस महान संत ब्लासियस के मध्यस्थता द्वारा समर्पित करते हैं। प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान कर। साथ ही साथ प्रभु जी नफरत से पीड़ित लोगों को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं, जिसके द्वारा प्रभु जी जीवन में कुछ भी अच्छाई उन्हें नहीं दिखाई पड़ते हैं। प्रभु जी उन्हें भी आपकी पवित्र शक्ति के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु हम इस मुक्तिदायी उपहारों से तृप्त हो गए हैं। आनंद मुक्ति का ये भोजन हमारे सच्चे विश्वास को अधिकाधिक दृढ़ बनाते रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रीस के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न, ईश्वर को धन्यवाद। जहां हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए। हम हमको तो मिली है प्रभु तेरी ही दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाए। चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए। हम